पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई शब्द गुंजायमान हो रहे हैं। चौथा चरण 10 अप्रैल को है, लेकिन तैयारी मानो आगे की हो चुकी है। एक और AIMIM ने अब अपने 7 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। क्या होगा इससे मुर्शिदाबाद में, इन 7 सीटों पर क्या बदलेगा, क्या होंगे नए आयाम, बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल एंट्री से बंगाल में क्या होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के राजनीतिक समीकरण को बदलने के लिए 7 वाली चाल चल चुके हैं। बंगाल के 3 चरणों के चुनाव के बाद ओवैसी की पार्टी के 7 सिपाहियों ने इलेक्शन में एंट्री मारी है। ये मौलाना मोतीउर रहमान हैं, जो मालतीपुर विधानसभा सीट से AIMIM के उम्मीदवार हैं। चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने के बाद ओवैसी की पार्टी से उम्मीदवार मौलाना मोतीउर रहमान ने जीत का दावा किया। बाकी 6 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवारों के बारे में भी जान लीजिए। इतहर सीट पर मोफकरुल इस्लाम चुनाव लड़ रहे हैं। जालंगी से अलसौकत जमा को टिकट मिला है। सागर दिघी से नूरे महबूब आलम और भरतपुर सीट पर सज्जाद हुसैन को ओवैसी ने उतारा है। रतुआ सीट से सैयदुर रहमान खड़े हैं और आसनसोल उत्तर सीट पर दानिश अजीज को उम्मीदवारी मिली है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की 7 सीटों पर AIMIM की एंट्री TMC के वोटों में सेंध लगा सकती है। वजह है इन 7 सीटों पर मुस्लिम वोटों की बहुलता। 2016 के विधानसभा चुनावों में 7 में से 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि 3 सीटें TMC को। लेकिन ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी इन सीटों पर गणित क्यों बिगाड़ सकती है, वो समझिए। जालंगी विधानसभा सीट पर 73% मुस्लिम वोटर हैं। सागर दिघी सीट पर 65% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि भरतपुर और इतहर सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। यही वजह है कि TMC AIMIM को BJP का एजेंट बता रही है। AIMIM प्रार्थी देवर कारण हलो एदेर तो किछु ना, एरा एकटा BJP-র দালাল। আমরা দেখেছি এদের নাম বিহারে যেরকম ভোটটা হলো, এরা ভোট কাটোয়া। এদের নাম পড়েছে ভোট কাটোয়া, এরা তো সিট জিততে পারবে না, এরা ভোট কাটোয়া। TMC ओवैसी की पार्टी की एंट्री से डर रही है, क्योंकि ओवैसी ने बिहार चुनाव में भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। डर कांग्रेस को भी अपने वोट बैंक में सेंध लगने का है, लेकिन कांग्रेस AIMIM की उम्मीदवारी को ये कहकर खारिज कर रही है कि पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में ओवैसी की पार्टी का कोई असर नहीं है। মিম ভোট কাটবে সেটা আমি বলতে পারবো না, আমাদের এখানে সেরকম মিমের কোনো বর্তমান প্রভাব নেই এবং সেরকম দেখতেও পাচ্ছি না কোথাও মিমের কোনো সংগঠন। তাছাড়া কোনো যে যে জায়গাগুলোতে প্রার্থী দিচ্ছে, আমার মনে হয় মিমের সেরকম কোনো জায়গা নেই মালদা ডিস্ট্রিক্টে, মিম সেরকম কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ABP News, आपको रखे आगे।